गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके वेरी गुड। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे साइंस। ओके बेटा ठीक है। तो साइंस का देखिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लोग कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे। ओके तो हम लोग ने बेटा साइंस में चैप्टर नंबर 3 द एनिमल वर्ल्ड ये स्टार्ट किया था। ओके इसकी हम लोग रीडिंग कर रहे थे। इसी की हम लोग क्या करते हैं बेटा, रीडिंग कंटिन्यू रखते हैं। देखिए कल हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था, कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है तो एनिमल्स में हमने क्या देखा था बेटा कि जो एनिमल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, है ना। और एनिमल्स मेनली हमने कल क्या देखा था, जो एनिमल होते हैं एक तो बड़े एनिमल होते हैं और एक तो छोटे एनिमल होते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था बेटा बिग एनिमल्स के बारे में। बिग एनिमल्स में क्या क्या बताया था, जैसे जिब्रा हो गया, बियर, लायन, टाइगर, इसके अलावा एलिफेंट, जिराफ, ये सब क्या है बेटा, बिग एनिमल्स। ओके अब आज हम लोग को क्या देखना है बेटा, स्मॉल एनिमल्स के बारे में देखना है। ठीक है बेटा चलिए देखते हैं हम लोग स्मॉल एनिमल्स के बारे में। ओके मैं जूम इन कर लूं। चलिए आप लोग को बुक दिख रही है बेटा अच्छे से। देखिए रीडिंग करते हैं। सम एनिमल्स आर स्मॉल, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, स्मॉल होते हैं, है ना। और उन एनिमल्स में कौन कौन आ जाता है, मोस्टली बेटा बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और कौन होते हैं, वॉर्म्स, है ना। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो स्मॉल एनिमल्स में देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माउस, कैट, रैबिट, ये सब क्या है बेटा, स्मॉल एनिमल्स है। कैसे एनिमल है, स्मॉल मतलब छोटे छोटे एनिमल्स है बेटा। ओके और मोस्टली क्या होता है बेटा स्मॉल एनिमल्स में कौन कौन आ जाते हैं, बर्ड्स, जैसे बर्ड्स आपने देखा होगा बहुत छोटे होते हैं, इंसेक्ट, इंसेक्ट्स भी अभी हम देखेंगे इंसेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं। फिर वर्म्स, वर्म्स मतलब बेटा आप बोल सकते हैं कीड़े एक टाइप के, है ना। तो ये भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ये सब क्या होते हैं बेटा, स्मॉल एनिमल्स। ओके और इन सब के भी बेटा कितने लेग होते हैं, 4 लेग होते हैं इन सब के भी, है ना। 4 लेग्ड एनिमल्स लाइक माउस, सबके बेटा कितने लेग होते हैं, 4 लेग होते हैं। देखिए सबके 4 लेग दिख रहे हैं आपको। ओके चलिए तो अब ये हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ दीज एनिमल, राइट देयर नेम। बेटा हमें क्या करना है, जो एनिमल है ना इसका नाम आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे राइट करना है। तो बताइए पहले वाले पिक्चर में बेटा कौन दिख रहा है आप लोगों को, देखिए कौन दिख रहा है, हाँ मंकी दिख रहा है बेटा सभी को। ओके तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, मंकी, MONKEY। ठीक है बेटा तो सेकेंड वाले में क्या दिख रहा है बेटा, कैट। आप लोग भी अपनी बुक में राइट करिए कैट, क्या दिख रहा है बेटा, कैट। ओके थर्ड वाले में क्या दिख रहा है बेटा, डियर। ओके देन इसमें देखिए ये इस एनिमल को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे, इस वाले एनिमल को क्या आप कहते हैं बेटा, हु विल टेल मी, इसका आंसर बताना है बेटा, कौन बताएगा इस एनिमल को क्या कहते हैं बेटा। कोई है जो बताएगा मुझे, ये क्या होता है बेटा, ये होता है हिप्पोपोटामस। क्या होता है बेटा, हिप्पोपोटामस, कौन सा एनिमल होता है बेटा, ये होता है हिप्पोपोटामस। ठीक है बेटा समझ में आई सबको ये बात। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हिप्पो, तो बस तो बस
ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये सभी ने लिख लिया बेटा। चले गया। ओके बेटा, सो कंटिन्यू करते हैं। ओके चलिए, ओके बेटा, यहाँ पर जो हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग थी ना, उसमें शायद पी नहीं लगाया था, पी ए एम यू एस है ना, ए लगा लीजिएगा बेटा, यहाँ पर ए आएगा, हिप्पोपोटामस। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, हम लोग को पढ़ना है बर्ड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या होते हैं, इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है बेटा। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। बेटा बर्ड्स आपने देखे होंगे, जैसे पीजन है ना, वो एनिमल्स जिनके क्या होते हैं बेटा, विंग्स होते हैं, विंग्स मतलब पंख होते हैं, वो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। जैसे देखिए पीजन, पैरट, क्विल, ऑस्ट्रिच, इम्यू, ये सब क्या होते हैं बेटा, बर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है पीकॉक होता है ना, फिर क्रो होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। ओके अब चलिए आगे पढ़ते हैं। द ऑस्ट्रिच एंड द इम्यू कैन नॉट फ्लाई। बेटा ये वाले जो दो बर्ड होते हैं ना, एक तो देखिए ऑस्ट्रिच और एक क्या है इम्यू, ये बेटा क्या करते हैं, ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब ये उड़ नहीं सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये सिर्फ चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। देखिए इनके पैर है ना, इन्हीं से ये क्या करते हैं बेटा, सिर्फ चलते हैं, उड़ नहीं सकते। उसके बाद बर्ड्स हैव टू विंग्स, जैसे जो बर्ड्स होते हैं ना बेटा, उनके दो विंग्स होते हैं। कितने विंग्स होते हैं? टू विंग्स होते हैं, मतलब दो पंख होते हैं। और विंग्स से बेटा क्या करते हैं बर्ड, बर्ड विंग्स से क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फ्लाई करते हैं। उसके बाद बर्ड्स हैव टू लेग्स, बर्ड्स के पास कितने लेग्स होते हैं बेटा? टू लेग्स होते हैं। और लेग उन्हें क्या करता है बेटा, वॉक करने में हेल्प करता है। लेग्स हेल्प है ना, लेग्स हेल्प देम टू वॉक। ओके, सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान्स कैन स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड होते हैं बेटा जैसे कि डक है ना, डक और स्वान, ये क्या करते हैं बेटा, ये पानी में तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। बर्ड्स के बारे में बेटा इतनी बात समझ में आई? अब देखिए एक फैक्ट जानते हैं हम लोग इनके बारे में। देखिए यहाँ पे लेट्स डो कुछ अच्छा जानते हैं हम लोग यहाँ से। द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। बेटा ये जो बर्ड देख रहे हैं आप, कौन सा वाला, ये वाला, इसका नाम है बेटा ऑस्ट्रिच। क्या है ये? दिस इज ऑस्ट्रिच। बेटा ऑस्ट्रिच क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है। क्या है बेटा? सबसे बड़ा बर्ड है, तो आपको इसको लर्न रखना है, ठीक है, समझ में आया? ओके अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एनिमेशन देखते हैं और उस एनिमेशन से ही हमने जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करते हैं। चलिए ओके, जस्ट अ सेकंड। देखिए बेटा हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, बर्ड्स के बारे में। तो जो बर्ड्स होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। क्या करते हैं?
करते हैं। किसकी हेल्प से फ्लाई करते हैं बेटा? अपने विंग्स की हेल्प से। ये आपको विंग्स दिख रहे होंगे इनके बेटा, है ना? ये विंग्स की हेल्प से क्या करते हैं बेटा? फ्लाई करते हैं बर्ड्स। ओके, ये देखिए। और कुछ बर्ड्स होते हैं बेटा जो कि क्या करते हैं, फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो बर्ड कौन सा है बेटा, आपको दिख रहा है? ऑस्ट्रिच। कौन सा बर्ड होता है बेटा? ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच क्या होता है बेटा? ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड होता है दुनिया में। सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है बेटा? ऑस्ट्रिच। ओके, देखिए, देख रहे हो आप लोग ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कैसे दिखता है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद बेटा एक और बर्ड होता है इम्यू। का नाम क्या होता है? इम्यू। ये भी बेटा उड़ नहीं सकता है, ये भी सिर्फ क्या करता है? चल सकता है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बर्ड्स के पास बेटा कितने विंग्स होते हैं? टू विंग्स होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है बेटा, टू विंग्स होते हैं। और विंग्स क्या करते हैं बेटा? बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और बर्ड्स के पास भी बेटा क्या होते हैं? लेग्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लेग्स होते हैं। और लेग्स से क्या करते हैं बर्ड बेटा? वो उसको वॉक करने में हेल्प करता है। ठीक है, बर्ड को। उसके बाद जैसे एक बर्ड होता है बेटा डक। डक क्या करता है? ये वाटर में स्विम भी कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? स्विम कर सकता है, मतलब पानी में तैर भी सकता है। समझ में आया बेटा? किसे किसे समझ में आ गया? अच्छे से हैंड रेस करिए, किसे बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने बर्ड के बारे में देखा। अब बर्ड के बारे में हमने क्या क्या देखा बेटा, देखिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। बर्ड के पास दो विंग्स होते हैं और दो लेग्स होते हैं। और बहुत सारे बर्ड फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते। कौन कौन से बर्ड बेटा फ्लाई नहीं कर सकते? एक तो ऑस्ट्रिच और एक तो इम्यू। और जो ऑस्ट्रिच है वो क्या है बेटा? वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड है। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलिए तो अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक बर्ड दे के रखा है। क्या दे के रखा है बेटा? एक बर्ड दे के रखा है, उसका आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना है बेटा। तो इस पिक्चर में कौन सा बर्ड है, कौन बता पाएगा मुझे ये कौन सा बर्ड है? ये वाला, ये देखिए, कौन सा बर्ड है, कौन बता पाएगा? यू कैन टेल मी। हाँ, रुद्र। जस्ट अ सेकेंड बेटा। हाँ रुद्र, अनम्यूट योर सेल्फ। प्रॉमिस बेटा ये क्रो नहीं है, दिस इज नॉट क्रो। अभी बताते हैं आपको। ओके वेट, अभी मैं बता रहा हूँ बेटा आपको। ओके, थोड़ा वेट करिए। कौवा। हाँ लवेश बता रहे हैं, लेट्स टॉक टू लवेश। हाँ लवेश, अनम्यूट करिए बेटा। हाँ अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट। लवेश अनम्यूट पे क्लिक करिए। हाँ 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 लवेश अनम्यूट पे क्लिक करिए बेटा। यस हाँ बेटा, कौन सा बर्ड है ये? पेंगुइन। हाँ वेरी गुड। कौन सा बर्ड है बेटा? पेंगुइन। सभी, हाँ वेरी गुड लवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये कौन सा बर्ड है बेटा? पेंगुइन। यहाँ पर आपको क्या राइट कर लेना है? पेंगुइन राइट कर लेना है। ओके बेटा, तो पेंगुइन। पेंगुइन, ओके बेटा, पेंगुइन। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंसेक्ट्स। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इंसेक्ट्स के बारे में। तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? इंसेक्ट्स क्या होते हैं?
स्मॉल एनिमल्स होते हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स। इनके पास कितने लेग्स होते हैं बेटा? 6 लेग्स होते हैं, है ना। इनके पास क्या होते हैं बेटा? 6 लेग्स होते हैं, मतलब इनके पास कितने पैर होते हैं बेटा? 6। उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स के पास बेटा विंग्स भी होते हैं। क्या होते हैं? विंग्स। ओके, तो कुछ इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं बेटा? विंग्स। विंग्स होते हैं इनके पास। देखिए, जैसे आपने मॉस्किटो को देखा होगा बेटा, मॉस्किटो के पास विंग्स होता है। हाउस फ्लाई उसे भी देखा होगा, उसके पास भी विंग्स। उसके पास किसके पास बेटा? बर्ड्स, मतलब बर्ड्स सॉरी बटरफ्लाई के पास भी होते हैं। तो विंग्स क्या करते हैं बेटा? उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो इंसेक्ट्स के बारे में हमने क्या जाना बेटा? कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके पास बेटा 6 लेग्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? उनके पास विंग्स होते हैं। विंग्स से वो क्या करते हैं बेटा? फ्लाई करते हैं। विंग्स से क्या करते हैं बेटा? फ्लाई करते हैं। ओके, वेरी गुड। समझ में आया बेटा? अब कल हम लोग क्या करेंगे बेटा? ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? वेयर डू एनिमल्स लिव। और कल इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज भी क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, और कल ये मैं आपको चैप्टर एक बार रिकैप भी करा दूंगा, मतलब रिवीजन भी करा दूंगा सारी चीजें, ताकि आपको क्या क्या इसमें याद रखना है वो आपको पता चल जाए। ओके, तो आपका बेटा होमवर्क क्या है कि आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। कहाँ से? स्टार्टिंग से। एनिमल्स वाला रीड करना है, फिर बर्ड्स वाला रीड करना है, और इंसेक्ट वाला रीड करना है। ओके, और आपको बहुत सारे एनिमल्स के नेम भी लर्न करना है, मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है बेटा? ओके, चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, है ना। अटेंडेंस लगा दी बेटा सभी ने? अटेंडेंस लगा दीजिए फर्स्ट, अगर किसी ने नहीं लगाई है तो। चलिए, ओके, बाय बाय।